हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम अपने किचन में बनाते हैं ठंडी में गर्मा गर्म टेस्टी सा मिर्च का पकौड़ा। तो ये हमने बड़ी बड़ी मिर्च ले ली है, 5-6-7 जो भी है, 6-7 मिर्च हमने बड़ी वाली ले लिया है। और उसको हमने बीच से चीड़ा लगा दिया, अच्छी तरह से उसे वॉश कर लिया है और उससे चीड़ा लगा दिया बीच से, ताकि हम उसमें स्टफिंग भर सकें। तो हम देखिए बेसन ले लिया है, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 1 चम्मच चावल का आटा ले लिया है, स्वाद के अनुसार हमने नमक ले लिया है। और इसकी एक एक बैटर बना लेंगे, अच्छे से थिक सी बैटर बना लेंगे। तो ये देखिए हमने पानी ऐड करके इसकी एक बैटर बना ली है। अब बैटर हो चुकी है रेडी, तो हम स्टफिंग कर लेते हैं मिर्च में। तो ये देखिए हमने स्टफिंग पहले से ही रेडी करके रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ बताना, तो मैं इसे स्टफिंग की रेसिपी आपको दूंगी। तो ये देखिए हमने स्टफिंग जो है, आलू की स्टफिंग हमने मिर्च में भर लिया है। सभी को हमने धीरे धीरे से स्टफ कर लिया है। अब हम इसमें घोल में डिप करके, बेसन की घोल में मिर्चों को डिप करेंगे और डीप फ्राई कर लेंगे इन्हें कढ़ाई में। तो हमने कढ़ाई पहले से ही चढ़ा के रखी है और तेल गरम कर लिया है हमने कढ़ाई में। तो ये देखिए हम एक एक करके सभी मिर्चों को डिप करेंगे और अच्छी तरह से दोनों तरफ से उलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि ये अच्छी से कच्ची ना रहे, अंदर से पक जाए। तो ये देखिए एक एक करके हमने सभी को डाल लिया है कढ़ाई में और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इन्जॉय करेंगे आप भी और हम भी। तो आप भी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगा तो कमेंट करें और प्लीज़ फॉलो करें। तो ये देखिए हमने दोनों साइड से अच्छी तरह से इसे डीप फ्राई कर लिया है और इसे इंजॉय करें। मेयोनीज सॉस या धनिया पत्ते की चटनी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो हमने सॉस और मेयोनीज के साथ इसे इंजॉय किया है। तो ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है। तो हमने एक एक करके सारे पकौड़ों को निकाल लिया है और ये देखिए आपके सामने है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो पूनम कुकिंग फूड माई यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब प्लीज़।